हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का दूसरा क्लास है और इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुंचते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, मोटर के बाह्य केज का प्रतिरोध अधिक होने से क्या उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग टार्क जो होता है, अगर मोटर के बाह्य केज का प्रतिरोध अधिक हो जाता है तो स्टार्टिंग टार्क भी उच्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मोटर के रनिंग के समय स्टार्क को बनाए रखता है। मोटर का जब रनिंग होता है, जब घूमता रहता है हमेशा मोटर को, रन करता रहता है, तो उस समय क्या टार्क को बनाए रखता है, तो वहाँ पे भीतरी केज जो होता है, ठीक है, भीतरी केज जो होता है वो मोटर के रनिंग के समय उसका टार्क बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज मोटर के गति नियत क्यों रहती है। स्क्वायरल केज मोटर की जो गति होती है वो हमेशा नियत क्यों रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, जो कि रोटर के ऐठने से, जो रोटर का हमने बताया था कि रोटर का जो उसमें छड़ लगे होते हैं वो ऐठे हुए होते हैं, तो वो जो रोटर का ऐठा हुआ होता है उसी की वजह से स्क्वायरल केज मोटर की गति नियत होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंगल व डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्व लोड पर होती है। तो सिंगल व डबल केज का मतलब हम समझेंगे, सिंगल केज एक रोटर होता है और डबल केज भी रोटर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर, तो यहाँ पे मोटर जो नाम पड़ा हुआ है सिंगल और डबल केज मोटर, तो वो रोटर के आधार पे ही इसका मोटर नाम पड़ा हुआ है। सिंगल केज रोटर जिसमें लगता है वो सिंगल केज मोटर होता है और डबल केज रोटर जिसमें लगता है वो डबल केज मोटर होता है। तो यहाँ पे पूछा है सिंगल व डबल केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्व लोड पर होती है, तो ये पूछना चाहता है कि सिंगल और डबल केज का जो गति शून्य लोड होता है, जब गति उसकी शून्य होती है तो उस समय लोड पर रहती है, तो परिवर्तनीय रहती है, लोड परिवर्तनीय रहती है, अस्थित रहती है, स्थित रहती है उपयुक्त में सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थित रहती है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सिंगल व डबल केज मोटर में स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। सिंगल व डबल केज जो मोटर होता है जो उसमें स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है, तो वो मतलब ये पूछना चाहता है कि सिंगल केज मोटर में, सिंगल केज का मोटर जो होता है उसमें स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है कि डबल केज मोटर जो होता है उसमें स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि सिंगल केज मोटर में स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड, डबल केज मोटर की अपेक्षा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, सिंगल केज मोटर का उपयोग किया जाता है, सिंगल केज मोटर का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो सिंगल केज मोटर जो होते हैं, सिंगल केज मोटर जो होते हैं, सिंगल केज मोटर का बिना लोड पर उपयोग किया जाता है, जहां पर लोड नहीं पड़ता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डबल केज मोटर का उपयोग किया जाता है, और डबल केज मोटर का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो डबल केज मोटर का जो होता है वो हल्के लोड पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, ये आंसर है। अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, हल्के लोड पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लेंथ मशीन ग्राइंडर वाटर पंप में उपयोग होने वाला मोटर। इसके पूछने का मतलब ये है कि लेंथ मशीन जो होता है, ग्राइंडर होता है, वाटर पंप जो होता है, तो लेंथ मशीन ग्राइंडर तो कुछ लोग मान लीजिए नहीं जानते होंगे, लेकिन वाटर पंप जो गाँव के बच्चे हैं वो जरूर जानते होंगे कि वाटर पंप क्या होता है, जो हमारे यहाँ मोनो ब्लॉक के नाम से आता है ना, मोनो ब्लॉक जिसमें मोटर लगा होता है और हम लगाते हैं अपने कुआं में या तो फिर कहीं पर से पानी खींचने के लिए, तो उसे वाटर पंप कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वाटर पंप में लेंथ मशीन और ग्राइंडर और वाटर पंप में उपयोग होने वाला कौन सा मोटर होता है, तो यहाँ पर सिंगल केज मोटर का उपयोग किया जाता है, जिस मोटर में सिंगल केज रोटर लगा होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सिंगल केज मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, टेक्सटाइल मिल स्लॉट कटिंग टूल मशीन में उपयोग होने वाला मोटर क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें डबल केज मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, जिस मोटर में डबल केज रोटर लगाता है उसका उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्क्वायरल केज मोटर में कौन सा दोष प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुंबकीय लॉकिंग का दोष इसमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, स्क्वायरल केज मोटर में कौन सा दोष प्राप्त होता है, तो चुंबकीय लॉकिंग का दोष इसमें प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चुंबकीय लॉकिंग को दूर करने के लिए रोटर स्लॉट की संख्या रखी जाती है। चुंबकीय लॉकिंग जो होता है उसको, जो दोष होता है उसमें, उसको दूर करने के लिए स्लॉट की संख्या कितनी रखी जाती है, 11, 13, 17, 23। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 11, 13, 17, 23, ठीक है फ्रेंड,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्लिपरिंग मोटर में प्रयोग किए जाने वाले रोटर कौन से होते हैं। स्लिपरिंग मोटर जो होता है जिसमें स्लिपरिंग लगा होता है, ठीक है, उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाउंड रोटर जो होता है उसको प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पे बाइंडिंग युक्त रोटर को कहते हैं, यहाँ बाइंडिंग युक्त रोटर जो होता है, बाइंडिंग युक्त रोटर को कहते हैं, तो बाइंडिंग युक्त रोटर जो होता है उसे हम बाउंड रोटर कहते हैं, ठीक है, उसे हम बाउंड रोटर ही कहते हैं, जो कि स्लिपरिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई स्लिपरिंग को देते हैं, थ्री फेज सप्लाई स्लिपरिंग को देते हैं, तो थ्री फेज सप्लाई हम जो जैसे बाउंड रोटर में हमारा स्लिपरिंग लग गया, ठीक है, और बाउंड रोटर को चलाने के लिए हमें सप्लाई तो देना ही पड़ेगा, तो सप्लाई हम स्लिपरिंग में किस जगह पे देंगे, तो यहाँ पे कार्बन ब्रूस लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन ब्रूस लगा होता है जिसमें कि हम सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्रेसर क्रेन स्टील मिल प्रिंटर प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग होने वाली मोटर कौन सी होती है। प्रिंटिंग प्रेस में जो होती है और कंप्रेसर में, क्रेन में, इन सब जगहों पे कौन सी मोटर उपयोग की जाती है, तो वहाँ पे स्लिपरिंग मोटर, ठीक है, यहाँ पे स्लिपरिंग मोटर हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी मोटर का अनुरक्षण शून्य या नगण्य होता है, वो कौन सा मोटर है जिसका अनुरक्षण शून्य या नगण्य होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज मोटर जो होता है उससे हम उसका अनुरक्षण शून्य या नगण्य माना जाता है। स्लिपरिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग लेते हैं, स्लिपरिंग मोटर जो होता है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या उपयोग लिया जाता है, तो स्लिपरिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए थ्री फेज रिहोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्लिपरिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए थ्री फेज रिहोस्टेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्लिपरिंग मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लीजिए और इसे ध्यान से इसको नोट करके अपने नोटबुक में रख लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.8 से 0.9 पावर फैक्टर होता है, ठीक है, ये हमेशा ज्यादातर परीक्षाओं में पूछता है, तो इसे अवश्य नोट कर लें, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी मोटर की घुड़वन गति बदलना कठिन होता है, वो कौन सा मोटर है जिसका घुड़वन गति बदलना कठिन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्क्वायरल केज मोटर जो होता है उसका घुड़वन गति जो होता है उसको बदलना कठिन होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है, या इसके पूछने का मतलब है, स्क्वायरल केज जो मोटर होता है उसका स्टार्टिंग करंट कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायरल केज मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है लोड करंट के 5 गुना होता है, जिसमें हम जितना हम उस पर लोड देते हैं, लोड लेने पर जितना वो करंट लेता है, तो उसकी 5 गुना जो है ज्यादा वो स्टार्टिंग के टाइम करंट लेता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार हमारा वीडियो खत्म होता है, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ, नए नए क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।